जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो आज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या क्या अपडेट नहीं निकली इस SSC GD के लिए और विथ हेल्ड वालों के लिए, वेटिंग लिस्ट के बारे में, सेकेंड लिस्ट के बारे में, साथ ही अदर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अब इस साल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं, SSC GD में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके अलावा अदर जो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, क्योंकि कोरोना काल की वजह से अब उनके जो अपडेट आई है नहीं, उनके बारे में किस प्रकार से एग्जाम लिए जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन का कौन सा रूल अपनाया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार भी SSC GD में नॉर्मलाइजेशन की वजह से कई 100+ भी स्कोर हो गया दोस्तों, तो इसके लिए भी उनकी शिफ्टिंग किस प्रकार से की जाएगी इसके बारे में चर्चा हुई, साथ ही जो पिछली वैकेंसी है SSC GD की उसके बारे में भी चर्चा हुई, उसकी वेटिंग लिस्ट और विथ हेल्ड वालों के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से अपडेट मांग रहे थे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं वो विथ हेल्ड वालों और सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के साथ साथ जो नई SSC GD की अब वैकेंसी निकल वाली है उसमें कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मीटिंग का जो नोटिस है, इनके बारे में जो अपडेट है वो भी मैं उधर शेयर करता हूँ, साथ में और भी नई जो PDF नई वैकेंसियों के बारे में वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा देता रहता हूँ, तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आज की जो मीटिंग का जो मेन मुद्दा था वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पेपर का जो शेड्यूल है उसको चेंजिंग और उनकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में खास मीटिंग थी। उसके बाद में जो विथ हेल्ड वालों को क्लियर कर देता हूँ, वो बार बार मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि सर विथ हेल्ड वालों को क्या होगा, SSC GD में जितने भी बच्चों का विथ हेल्ड रहा है, विथ हेल्ड वालों का आपको नोटिस आएगा वापस, आपको SSC GD या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको वापस कनेक्ट करेगा, उसमें अब ये बोल रहे हैं कि उसकी अपडेट दीजिए, तो मार्च में आपको कनेक्ट कर सकते हैं, मार्च के महीने में आप पोस्टल ऑर्डर से आपको वापस कोई ना कोई लेटर आएगा जिस वजह से आपका रिजल्ट रुका वो वापस वेरिफिकेशन के लिए, मतलब अगर किसी का फिंगरप्रिंट की वजह से रुका या किसी मेडिकल टाइम उसके मतलब बायोमेट्रिक मैच नहीं किया उसकी वजह से, तो उसका नोटिस आएगा आपके पास में और मार्च के महीने में आने के चांसेस है। आज की मीटिंग से साफ साफ क्लियर होता है कि आपके मार्च के महीने तक जैसे इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है कम्प्लीट, उसके बाद में आपसे कनेक्ट बनाया जा सकता है। दोस्तों उसके मेरिट के बारे में भी बोला, बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं क्या सर उसकी मेरिट किस हिसाब से रहेगी, मेरिट जो अभी रही है यही मेरिट रहेगी आपका, अगर इससे ऊपर नंबर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और 90% चांस है कि आप जो वेरिफिकेशन होगा विथ हेल्ड वालों का वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो बायोमेट्रिक वालों का या कहीं का फॉरम में या जो जनरल डिस्ट्रिक्ट या नक्सल डिस्ट्रिक्ट की वजह से कुछ पंगा हुआ है तो वो भी वहाँ क्लियर हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, अगर नंबर कम है वो बात अलग है। साथ में अब जो नए SSC GD के जो पैटर्न या एग्ज़ाम में जो बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इस बार SSC GD जैसे आपने पहले भी सुना कि इस बार SSC GD में नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, ये 100% क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में SSC GD के नंबर 100 क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी लेकिन नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, नॉर्मलाइजेशन को हटाया नहीं गया क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना काल की वजह से अब शिफ्टें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बार SSC GD की जो वैकेंसी है 84,000 के समथिंग आ रही है, मतलब बहुत बड़ा मेला है आप सभी के लिए, ये भी आप गुड न्यूज़ मान के चलिए कि 84,000 की बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, 84,000 पोस्ट की ये वैकेंसी होने वाली है, यानी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो इसकी शिफ्टिंग आप भी मान के चलिए। इसके एग्ज़ाम अगस्त पूरा महीने चलेंगे, एक महीने जब अगस्त का महीना चलेगा तो नॉर्मलाइजेशन 100% उसी रूल से होगा, लेकिन जो खास बात है वो है कि तो है नेगेटिव मार्किंग, पहली खास बात जो है वो है नेगेटिव माइनस मार्किंग, दूसरा हो सकता है आपका मेडिकल। दोस्तों मेडिकल में इस बार कई बच्चों को जैसे छूट दी गई है कुछ चीज़ों में, आपको इस बार बायोमेट्रिक वाले बच्चों को छूट नहीं दी जाएगी, इसलिए बायोमेट्रिक में क्योंकि कई बच्चों ने कंप्लेन भी की है बायोमेट्रिक के खिलाफ, तो जितने भी जब भी आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पर मैच कराया जाए दोस्तों, अगर नहीं होता तो एक वो पेज वहाँ पर फिलअप कराए जाते हैं, 15-20 पेज होते हैं उनको फिलअप कराया जाता है, तो वो 100% फिलअप करना और अच्छे से फिलअप करना अगर किसी का बायोमेट्रिक मैच नहीं खाता। अभी आपको पता चलता होगा अगर आप आधार कार्ड बनाते हो या पैन कार्ड बनाते हो जहाँ बायोमेट्रिक आपका अगर मैच कम कर रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना जब आप मेडिकल या फिजिकल कराने जाओ, तो वहाँ पर एक चीज़ और, जब आपका पहले एग्ज़ाम होगा तब बायोमेट्रिक देते समय आपको पता होना चाहिए कि कौन से हाथ का बायोमेट्रिक दे रहे हो, वहाँ पर जब आपका बायोमेट्रिक ले रहा है तो उसको हाथ को अच्छे से साफ करके दे ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो एक तो नेगेटिव माइनस मार्किंग 100% रहेगी दोस्तों जितने भी SSC GD की अब तैयारी कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट कि मेडिकल में इस बार कुछ कठिनाइयाँ सामने आ सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि मेडिकल काफ़ी ईजी होने की वजह से और 3 गुना पास करने का ये नियम है दोस्तों, इस बार कम किए थे, अगली बार से ये SSC GD में 3 गुना पास किए जाएंगे और मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट और जिनके ये डिमांड जिन्होंने कंप्लेन की है 5800
नौ पोस्ट के लिए जो एक्स आर्मी सर्विसमैन का कोटा, जिसमें SSGD की जो नोटिफिकेशन थी उसके खिलाफ कई कोर्ट में मतलब कंप्लेन की, तो दोस्तों वो सीटें रिजर्व रखी गई है। 84,000 में उन सीटों को ऐड नहीं किया गया, उन पर अभी जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता है, जिस भी कोर्ट में उनके खिलाफ पिटीशन फाइल हुई है, जब तक कोर्ट उन पर डिसीजन नहीं देता तब तक वो सीटें ऐड नहीं की जाएगी। इसीलिए इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी 25 मार्च को, उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि वो सीटें ऐड की जाएगी। अगर वो सीटें ऐड नहीं की जाएगी तो आपका 100% वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये डिसीजन हुआ है कि जब तक कोर्ट इसका डिसीजन नहीं देता तब तक ये सीटें ऐड नहीं की जाएगी, और 84,000 की वैकेंसी अगर ये ऐड की जाएगी तो 90,000 के प्लस ये वैकेंसी जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा फिजिकल का क्राइटेरिया सेम रहने वाला, फिजिकल में कुछ चेंज नहीं होंगे, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है दोस्तों उसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस बार आप कंप्यूटर का विशेष ध्यान दें, कंप्यूटर पक्का ऐड किया जाएगा, और GS GK को इस बार अलग पार्ट में बांट सकते हैं, पार्ट 4 रहेंगे लेकिन GK का पार्ट है उसमें कंप्यूटर ऐड किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ कंप्यूटर से ज़रूर जुड़े रहिए, ठीक है। तो GK GS में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर, यह एक नया पैटर्न आ सकता है SSGD में। इसके अलावा अगर आप बदलाव की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका वही रहेगा, आपकी उसी प्रकार शिफ्टिंग में एग्ज़ाम होंगे, फिजिकल का क्राइटेरिया सेम रहेगा, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के लिए, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग सेम क्राइटेरिया रहेगा। हाँ, कुछ इस बार लॉन्ग जंप हाई जंप का भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन हाँ वो नहीं रखा जाएगा, वो RPF के लिए है, लेकिन SSGD में इस बार भी लॉन्ग जंप या हाई जंप का नहीं रखा जा सकता, और अगर रखा जाएगा तो 9 फीट का रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर लॉन्ग जंप हाई जंप भी होंगे क्या, तो लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होंगे SSGD के लिए, आप सभी को बता दूं मैं, अगर होता है लॉन्ग जंप भी SSGD के लिए तो 9 फीट ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 14 फीट का वो ज़्यादा उसमें होता है, दिल्ली पुलिस और RPF में ये लॉन्ग जंप हाई जंप होते हैं, SSGD में नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको पता नहीं है कि लॉन्ग जंप हाई जंप होता है या नहीं होता। तो जो फिजिकल में है रनिंग चेस्ट वेट लड़कों के लिए बस नॉर्मल वही है, और लड़कियों के लिए रनिंग उसके बाद में वेट, ओवरवेट नहीं होना, ओवरवेट की वजह से पंगा हो सकता है आपके बाद में मेडिकल के समय, तो इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि 25 मार्च से आपके फॉर्म या 100% हो गया कि आपकी नोटिफिकेशन 25 मार्च को आएगी, 25 मार्च को आपकी नोटिफिकेशन मतलब 84,000 के प्लस वैकेंसी रखी गई है, 84,000 वैकेंसी रखी गई है, नॉर्मलाइजेशन के रूल सभी सेम है, 84,000 की वैकेंसी है या 90,000 की हो सकती है, बढ़ती भी है आपको पता है वैकेंसी आने के बाद में। तो इसलिए इसमें जो बदलाव हुए हैं वो खास इसलिए कि एक तो नेगेटिव माइनस मार्किंग हो गया, दूसरा नॉर्मलाइजेशन का तरीका वही रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो पेपर है इस बार और ज़्यादा शिफ्टिंग में होंगे, ठीक है। मेडिकल में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा हार्ड हो सकता है, मेडिकल के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है कलर विजन जैसी तो वो प्रैक्टिस करके उसको दूर कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रैक्टिस करके उसको दूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल प्रैक्टिस करके उसको दूर किया जा सकता है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो नहीं किया जा सकता, आइज वाइज का जिसका 6x6 नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर ज़्यादा प्रॉब्लम उतना भी चिंता ना करें, क्योंकि कई बार आपके आइज मान लो थोड़ी बहुत कम भी होता है तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता मेडिकल में, तो आप वो क्लियर कर सकते हो। बाकी जितने भी स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन है उन सभी में थोड़े थोड़े से बदलाव किए गए हैं, सिलेबस बदलाव किया गया, सिलेबस में जो मेन बदलाव किया गया वो है कंप्यूटर ऐड कर दिया गया। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने पेपर आएंगे उसमें कंप्यूटर आएंगे, साथ एक दोस्तों खास बात बता दूं मैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपरों में कोई भी पेपर उठा लेना उसमें ओल्ड पेपरों के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो इस बार भी आएंगे, ओल्ड पेपर को आप जरूर एक बार पढ़ लें, कोई भी ओल्ड पेपर हो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके ओल्ड पेपर को जरूर देख लें, साथ में कंप्यूटर को अब इस बार आप जरूर ऐड करके चले साथ में, और हिंदी ग्रामर का जो लेवल है वो 10th क्लास का रहने वाला है, उसका ग्रामर का लेवल अप नहीं होगा दोस्तों, SSGD के लिए अप नहीं होगा, ना मैथ का अप हो रहा है, हाँ थोड़ा सा हार्ड हो सकता है रीजनिंग, तो दोस्तों इसकी इस बार और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि SSGD की इस बार की मेरिट रही है उसके हिसाब से आपको पेपर थोड़ा सा टफ देखने को मिल सकता है इस बार SSGD का, और एक नेगेटिव माइनस मार्किंग वजह की उसकी वजह से भी आपको इस बार थोड़ा सा नेगेटिव मतलब थोड़ा सा पेपर टफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहे और अभी से तैयारी शुरू करोगे तो आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। ये मान के चलिए कि आपका 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, इस प्रकार से आपको तैयारी करने, और ज़्यादातर बदलाव होंगे वो पेपर में होंगे दोस्तों, ये विशेष बात कि ज़्यादातर जो बदलाव होंगे पेपर में होंगे, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत बढ़ेगी कोरोना काल की वजह से, अब और ज़्यादा शिफ्टिंग बढ़ेगी उसके पेपरों की, तो सबसे ज़्यादा आपको पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। पेपर में काफ़ी बदलाव होंगे, कंप्यूटर विशेष ऐड होगा और माइनस मार्किंग विशेष ऐड। जो सेकेंडली वेटिंग लिस्ट वालों को मैंने बता दिया, जितने भी मेरे दोस्त वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें वो 25 मार्च को आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा, अभी उन सीटों को रिजर्व रखा गया है। तो ये आज की अपडेट है। जय हिंद, जय भारत।